नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं साइंस म्यूजियम के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ हैं इंदर इकबाल सिंह जी। सर, आपका ऐसे न्यूज़ में स्वागत है। जी सर, आपने जो इंटरनेशनल लेवल का ये कार्यक्रम करा है जिसमें गोविंद साहब महामहिम भी हमारे इस कार्यक्रम में थे, तो इस कार्यक्रम को रूपरेखा क्या है उसके बारे में बताएँ प्लीज़। हमारा एक साझा संगठन है जिसका नाम है फोरम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियन, जिसका हिंदी में मतलब निकलता है कि देश के जितने विधायक और सांसद हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, ये उनका बहुत पुराना संगठन है जिसमें हमारे सारे पुराने जो एससी एसटी समाज के विधायक और सांसद हुए हैं, चाहे वो पूर्व में हैं या वो प्रेजेंट में हैं, वो सभी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। और इस संगठन में सभी राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, ऑनरेबल एमएलएज हैं, ऑनरेबल एमएलसीज हैं, वो सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम सालाना बाबा साहब का जो डे सेलिब्रेट करते हैं और इंटरनेशनल अंबेडकर कॉन्क्लेव जो है वो संविधान दिवस को समर्पित करते हुए हम ये दो दिन का कार्यक्रम रखते हैं और पूरे देश के समाज के लोगों की आशीर्वाद से हम दो दिन का कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि पहला दिन जो पूरा दिन चर्चा होती है वो संविधान के ऊपर होती है और लॉ के ऊपर होती है, जुडिशरी के ऊपर होती है। और बाबा साहब का जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने के जो सारी बातें हैं उन पहलुओं पे चिंता करके हम बातचीत करते हैं। जो दूसरा दिन का जो हमारा कार्यक्रम होता है उसमें हमारा एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है उस एजेंडे पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए भारत सरकार की तरफ से, चाहे वो किसी की भी सरकार हो या जो राज्य की सरकारें हैं, वो क्या क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, और हमारे लोगों को जो स्कीमों का उतना पता नहीं चलता उनको प्रचार करने के लिए, माध्यम के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं। पूरे देश से और विदेश से डेलीगेट हमारे आते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने पिछले साल भी इसका उद्घाटन किया और इस साल भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और आकर के इसका उद्घाटन किया। और इसमें सभी राजनीतिक पार्टी, सभी सामाजिक संगठन और सभी हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप या जो आप जिनको कह सकते हैं कि जो हमारे जो कर्मी हैं, जो काम करते हैं, उद्यमी हैं, जो वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास से हम बाबा साहब का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि फोरम ऑफ एससी एंड एसटी लेजिस्लेटर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस और इसी का ही एक अंग डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो धीरे धीरे पूरे बाबा साहब के परिवार को साथ लेकर के एक परिवार की तरह देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि चाहे कोई व्यक्ति हमारा, कोई भाई बंधु किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित है, किसी वो धार्मिक या सामाजिक संगठन के साथ संबंधित है, लेकिन एक छत के नीचे सभी बैठ करके प्यार से, मोहब्बत से विचार करते हैं और आपस में विचार विमर्श करने के बाद हम कोशिश करें कि विभिन्न हमारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर अपनी रिपोर्ट कंपाइल करके हम भारत सरकार को, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन को और सभी पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको हम अपनी जो रिक्वेस्ट है, जो सबमिशन है, जो इसमें पास होगा वो हम देते रहेंगे। अटपाल साहब, एक बात बताइए, आज 1/4 के आसपास बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर संविधान की बात आती है, आरक्षण की बात आती है या संविधान जल जाता है पार्लियामेंट के नियरेस्ट, तो ये जो मंत्री लोग हैं ये लोग बिल्कुल भी उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उसका क्या विशेष कारण है? ये हमारे समाज के लोगों की या हमारे मीडिया के, जो हमारे बहुत ही सराहनीय आप लोग सब लोग हो, ये आप लोगों के मन में ये ऐसी अपेक्षा है कि शायद पता नहीं कि हमारे माननीय सांसद, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स होते हैं वो शायद सो करके ही वापस आ जाते हैं, कोई अपनी बात नहीं रहते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा सांसद और हमारा विधायक जो अपनी पार्टी के अंदर रह कर के या पार्लियामेंट के अंदर या अपने लीडर के पास या अपने पॉलिटिकल मिनिस्टर के पास जाकर के संगठित रूप में जाकर के जो बात करते हैं, अगर हम मीडिया में आकर के नहीं बुला उनको बताते, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करते नहीं हैं। हम करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना कार्यशैली होती है। जो बाहर पार्लियामेंट के बाहर बैठा है वो तो सड़क पर धरना भी दे सकता है, लेकिन जो अंदर बैठा है उसकी 100 संविधान के मुताबिक उसकी ड्यूटी होती है
है, कंपल्शन होती है, और उसी दायरे में रह कर के अपना जो कर्तव्य निभाना होता है। अगर ऐसी बात होती कि उन लोगों ने कर्तव्य नहीं निभाया, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा सांसद था, तो जितने बिल पास हुए पार्लियामेंट में वो अनयूनैनमसली पास हुए हैं, तो वैसे पास नहीं होते। अटवाल सर, एक बात बताइए, आपने इतने बड़े लेवल पे कार्यक्रम करा है जिसमें महामहिम भी थे और बहुत सारे मिनिस्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग आए हैं, तो इसका क्या कैलकुलेशन निकलेगा, इस मीटिंग से क्या निकलेगा? हमारे एजुकेशन के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और ख़ास करके जो हमारे एजुकेशन के ऊपर जो हमारी जो स्थिति है, जो हमारे विषय हैं, जो मुद्दे हैं जिनके ऊपर हमारा कुछ काम होना चाहिए, कोई कमियां हैं, सुजेशंस हैं, आइडियाज़ निकल के बाहर आएंगे, वो हम कंपाइल करके भारत सरकार को देंगे, और हम इकट्ठे होकर के विभिन्न सभी मंत्रालय को जाके मिलेंगे भी। और लगातार कोशिश करने से ही कभी कोई चीज़ मिलती है, और चर्चा करने के बाद ही कोई ना कोई कार्य करने की विधि मिलती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्य करने से दो चीज़ें होती हैं, एक तो समाज को परिवार की तरह बैठने का मौका मिलता है, दूसरा विचार विमर्श करने के बाद कुछ ऐसा निचोड़ निकल के बाहर आता है जो कि समाज के लिए, आने वाले समय के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी, आप थे अटवाल साहब जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि बहुजन समाज के लोगों को, सबको एक मंच के नीचे बैठना चाहिए, एक दूसरे की बुद्धिजीवी लोगों की बात सुननी चाहिए, तभी कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। सर, SMN से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने समय दिया, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।